जब भी कोई नया यूट्यूबर यूट्यूब में आता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि यूट्यूब में वीडियो बना करके हम लाखों रुपए कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन वीडियो बनाते हैं, जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर लोग यूट्यूब को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ नए यूट्यूबर्स करते हैं। तो क्या गलतियां करते हैं, उन्हीं गलतियों के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको YouTube में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। YouTube में मैं पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूं। मेरा मेन चैनल है एबीटेक, जिसमें से 1,60,000 सब्सक्राइबर है, और ये मेरा दूसरा चैनल है एबी डिजिटल इनफो। और मैं यूट्यूब पे पार्ट टाइम में काम करता हूँ, तब भी 2 चैनल मेरे अच्छे खासे चल रहे हैं। हालांकि इस चैनल में मैं कैटेगरी चेंज कर दिया हूँ, इस वजह से अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन जो मेन चैनल है मेरा अच्छा खासा चल रहा है। तो यूट्यूब में कैसे सक्सेस होना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं अपने चैनल पर 0 सब्सक्राइबर से 1,60,000 सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंचा, वहां से क्या क्या चीजें मैंने सीखी, सारी चीजों का निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अगर YouTube पर सक्सेस होना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। सबसे पहली गलती जो लोग YouTube पर करते हैं, सभी नए यूट्यूबर गलती करते हैं, कि जब भी कोई नया चैनल बनाते हैं उसमें 1 वीडियो 2 वीडियो अपलोड की, उसके बाद फटाफट उस वीडियो का जो लिंक है वो अपने सभी परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ, विभिन्न विभिन्न ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में शेयर करते हैं। और जब आपने वीडियो को शेयर किया तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही है, वीडियो शेयर करने का मतलब है आपने अपने चैनल को चौपट कर लिया। अब कैसे, मैं आपको यहाँ पर पूरा बताता हूँ कैसे आपने चौपट कर लिया। देखिए, जब भी किसी वीडियो को आपने शेयर किया तो आपकी कैटेगरी कोई भी हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना लूँ, ये तो बात 100% सच है कि जितने लोगों को शेयर किया होगा उन सबका इंटरेस्ट आपके वीडियो में नहीं होगा, लेकिन उत्सुकतावश कि आपने ये वीडियो बनाया तो आखिर क्या वीडियो बना दिया, उत्सुकतावश एक्साइटमेंट के कारण उस वीडियो को लोग क्लिक तो कर देते हैं लेकिन उस वीडियो को कभी भी पूरा नहीं देखते हैं। मान चलो आपका वीडियो 10 मिनट का है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक देख लिया, उसके बाद उस वीडियो को काट दिया। तो जब वीडियो को काट दिया तो उस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन खराब हो जाता है, और ऑडियंस रिटेंशन एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी यूट्यूब वीडियो को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसको अलग अलग लोगों तक यूट्यूब रिकमेंड करता है, लेकिन जब उसका ऑडियंस रिटेंशन ही खराब हो गया तो यूट्यूब को लगता है कि वो वीडियो बेकार, उस वीडियो में कोई भी दम नहीं है, इस वजह से उस वीडियो को डाउन कर देता है, उसको आगे बूस्ट नहीं करता है। तो जो व्यूज़ आने चाहिए तो वो व्यूज़ आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको वीडियो शेयर करने से 2 नुकसान हुए, पहला तो आपका वीडियो का रिटेंशन डाउन हो गया जिस वजह से यूट्यूब वीडियो डेड हो गया, और दूसरे समाज में, परिवार में, मित्र में आपकी हंसी उड़ती है वो अलग। तो कभी भी ये काम मत करना, और जब आपका चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब किसी को भी वीडियो शेयर कर देना। पहली बात तो वीडियो शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आपका चैनल चलने लगेगा तो लोग खुद आपसे पूछेंगे, तब आपसे लोग खुद पूछने लगेंगे कि क्यों भाई आप चैनल चलाते हो क्या, ये वाला आपका चैनल है क्या, क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो, आपसे लोग खुद पूछेंगे। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो देखिए, जब भी आप यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट करो तो एक माइंडसेट लेकर के चलो कि कम से कम यहाँ पर हमें 6 महीना, साल भर, 2 साल काम करना है। ये आपको दृढ़ संकल्प कर लेना कि जब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा, जब तक मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा नहीं, तब तक मुझे काम करना है। तो यूट्यूब पर सक्सेस होने का सबसे बड़ा जो रोल है वो ये है, आपको यूट्यूब पर कंटिन्यू रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, डेली कम से कम 1 वीडियो जरूर डालो। अगर कोई ऐसी कैटेगरी जिसमें संभव ना हो पाए कि आप पर डे वीडियो नहीं डाल सकते हैं तो हर 2 दिन में, हर 3 दिन में आपको 1 वीडियो जरूर डालना है, और हो सके तो बीच में आप लोग शॉर्ट वीडियो जरूर डालते रहा करो, जिससे क्या होगा कि यूट्यूब को लगेगा हाँ आपके वीडियो डेली आ रहे हैं और आप कंसिस्टेंट रहें।
बात कर लेते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो जितने भी आज बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो लोग यहाँ पर सक्सेस हैं, कभी ना कभी इस चीज का इस्तेमाल जरूर किया है, आपको भी करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। वो क्या है? तो वो है यहाँ पर क्लिक बेट। जब भी आप थंबनेल बनाओ उसमें क्लिक बेट जरूर करो। शुरुआती फेस में जब आपका चैनल नया नया हो तो क्लिक बेट आपको करना पड़ेगा। ये क्लिक बेट क्या है? क्लिक बेट का सिंपल सा मतलब इतना कि जब आप थंबनेल बनाओ तो कुछ ऐसी चीजें वहां पर दिखाओ, ऐसे वर्ड वहां पर लिखो कि जिसके पास भी आपका वीडियो जाए वो वीडियो को देखने पर मजबूर हो जाए, उस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखे कि आखिर इस वीडियो के अंदर है क्या। लेकिन क्लिक बेट आपको ऐसा करना है कि उसके बारे में जो थंबनेल में आपने दिखाया कुछ ना कुछ पोर्शन, कुछ ना कुछ चीजें उसके बारे में जरूर बताओ। ऐसा क्लिक बेट भी मत करना कि अंदर पूरा वीडियो अलग है बाहर थंबनेल अलग लगी हुई है। हालांकि कई लोग करते हैं लेकिन ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो क्लिक बेट करना सभी नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना आप ग्रो नहीं हो सकती हैं। ये यूट्यूब का राज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की। देखो यूट्यूब पर किसी भी टॉपिक में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कोई भी टॉपिक डाल दो हजारों वीडियो आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। अब वीडियो वही चलेगा जिसका कंटेंट में थोड़ा सा दम होगा, जो यूनिक कंटेंट होगा, डिफरेंट कंटेंट होगा। तो अब आखिर डिफरेंट कंटेंट हम बनाएं कैसे? तो देखो नए नए एक्सपेरिमेंट, अगर आपका कुकिंग का चैनल है या आपकी कैटेगरी से संबंधित किसी प्रकार का चैनल है तो नए नए एक्सपेरिमेंट आप करते रहो, नई नई चीजें लोगों को देते रहो। जब अपने चैनल में कुछ नया करेंगे, कुछ अनोखे अंदाज में करेंगे तो आपका चैनल जरूर करेगा। एग्जांपल यहाँ पर कुकिंग चैनल का लेता हूँ। जैसे सपोज करो आप कुकिंग का चैनल बना रहे हो, डेली अगर आप वही सब्जी रोटी चावल बना के दिखाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। तो थोड़ा सा भले कुछ भी बनाए उसको थोड़ा सा अलग अंदाज में बनाए, कुछ नई चीजें लाए, नए फ्लेवर लाए, इस तरीके से उसमें आप लोग चीजें करो। भले लास्ट में आप वही चीज बनाओ जो डेली बनाते हो लेकिन नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में नई नई डिश बना करके लोगों को दिखाओ। जब कुछ नया करेंगे तभी आपका चैनल जो है सक्सेस होगा। बात कर लेते हम लोग लास्ट पॉइंट के बारे में। पॉइंट ये है कि जो भी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको आप सब्सक्राइब कर लो। और यूट्यूब में जाओगे सब्सक्रिप्शन नाम से एक ऑप्शन होता है, वहां पर जिन लोगों को सब्सक्राइब किया होगा उनकी वीडियो वहां पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है? तो उनको देखते रहो कि आखिर क्या लोग बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, कौन सा वीडियो चल रहा है। साथ में ट्रेंडिंग भी एक बार नजर डालते रहो डेली, आखिर नया नया क्या चल रहा है आपकी कैटेगरी से रिलेटेड। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो नए नए आइडियाज आपको, नए नए टॉपिक मिलते जाएंगे, उन पर आपको काम करना, उन पर अपने अंदाज में आपको वीडियो बनाना है। तो इन पांचों पॉइंट को बहुत ही ईमानदारी से पालन करना होगा। लेकिन आप लोग करते क्या है, शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं। आपका सपना होता पैसे कमाना, पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं, यूट्यूब पर आप सीखते नहीं है। तो जब तक कोई चीज सीखेंगे नहीं तब तक यहाँ पर आप अर्न नहीं कर पाएंगे। नई नई चीजें यूट्यूब में बदलती जाती हैं, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, तभी यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। जरा मुझे आप ईमानदारी से ये बताना कि जो पांचों पॉइंट मैंने इसमें बताए क्या आप उन पांचों पॉइंट का पालन करते हो? कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोस में चैनल पर बनाता रहता हूं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही।